हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी जस्ट 12 बजे हैं और हम रेडी हो चुके हैं क्योंकि हमें जाना है ऑफिस। लेटेस्टली हो गए कि मेरी हालत है ख़राब और मेरी जो बाजू है ये है 70% काम नहीं कर रही, 30% काम कर रही है। ऊपर भी नहीं उठ रही और ना ज़्यादा देर नीचे, ऐसे रखना पड़ रहा है रात को सोते हुए। और आज मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं क्योंकि जान है तो जान है, ऐसी दर्द हो रही है कि जान निकल जाएगी। चले गए, फिलहाल खाना खाते हैं। हेलो, वेरी गुड इवनिंग गाइस। और अभी जो टाइम हो रखा है वो हो रखा है रात के 8, और अभी जस्ट 7 बजे हमने लाइव को एंड किया, 7:06 और इतना अच्छा और मैजिक रिस्पॉन्स रहा आपका ना कि मैं सोच नहीं सकता था। मेरा लाइफ का पहला लाइव था और आप लोगों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और धन्यवाद बोलते हैं। और हाँ, थोड़ा सा ये भी बात करना है, बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं हमारी प्यारी वाइटी फैमिली के कि अंकुश आपने मेरा नाम नहीं लिया। देखिए, जब लाइव चलता होता है ना तो बहुत से ना मैसेज आके धड़ाधड़ जा रहे थे, तो ऐसे बीच बीच में ले रहा था, किसी के लिए कोई स्पेशल नहीं था। चिल एंड हिल वो मेरे मेम्बर, मैंने आपका नेम लिया, आपने किसी लाइव में जाके बोला कि नहीं ऐसे टिप्स में नहीं, चिल एंड हिल्स आपका भी नाम लिया मैंने बहुत बार। और कोई नहीं, मेरे लिए सब बराबर है और ऐसा कुछ नहीं है। तो आप मेरे मेंबर भी हो, चिल एंड हिल, मेरे को पता है। और बहुत से अच्छे अच्छे अपने हमारे सपोर्टर्स, एक दो मैं नेम और जो टिप्स में जाते, एक रितु नंद जी, वो मेरे को बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते। एक जिया बट सी, उनका नेम नहीं ले पाया क्योंकि वो ना लाइव पे आए नहीं, बाकी जो लाइव पे आए उनका मैंने सबके लिए है। और अंजू डिंगरा जी, वो भी मतलब कि लाइव पे नहीं थे लेकिन उनका मेरे को नेम याद था कि मेरे सपोर्ट में है वो, तब मुझे पता है क्योंकि हमने भी इनको सुना है कि हमारा कोई कनेक्शन नहीं किसी तरह का, कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी एक तरह से भाई को सपोर्ट करते हैं। और बाकी सब बढ़िया, कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। फिलहाल हम अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, हाँ, मैंने मेडिसिन खाई थी आज, डॉक्टर को दिखाया था और मेरे को लगता है पहले मेरी 70% 80% बाजू काम नहीं कर रही थी, जैसे इलास्टिक नहीं मैं डाल सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था और ऊपर भी नहीं कर सकता था। मेरे को लगता है मेरी 50% जो बाजू है काम करना स्टार्ट होगी, मसल की प्रॉब्लम थी तो मसल पेन की वजह से या मसल प्रेस हो गया होगा उसकी वजह से। तो मैंने मेडिसिन खाया था कि आज डॉक्टर ने दिया था मेरे को, तो काफ़ी हद तक बढ़िया लगा और बहुत खुशी मिल रही है। थोड़ा सा पेन हो रहा है, इतना ज़्यादा भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है पेन किलर की वजह से थोड़ा सा बढ़िया लगा हो, बट ओवरऑल सब सही है। जल्दी सही हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया, नहीं तो 2-3 दिन से मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई, गियर भी नहीं डाल पा रहा था, इलास्टिक भी नहीं खींच पा रहा था, शर्ट भी नहीं पहन पा रहा था, बनियान भी नहीं पहन पा रहा था, नहा भी नहीं रहा, एक हाथ से नहा रहा था। मैंने सोचा मैं तो अपाहिज हो गया और एक हाथ मेरा रह गया। और तभी मेरे को एक वैल्यू आई कि हर एक अंग की कितनी कितनी वैल्यू है, ये लाखों करोड़ों रुपए खर्चने पे भी नहीं मिलेगा। और शरीर से प्यार करो, है ना, संभाल के रखो, हेल्दी रखो अपने आप को, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, एक्सरसाइज करो ताकि आप तंदुरुस्त रहो। बीमारियाँ लगेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे को अपनी टेंशन बढ़ गई, अगर मेरे को कुछ हो गया भाई, गर्मी है, गर्मी देखना है ना। तो मम्मी कंचन बोले कि तेरे को मैं डॉक्टर के पास ले जाना है, तो फिर मैं जैसे तैसे करके अकेला चला गया था। और मेरे को शाम को 5 बजे लेके जाना था फिजियोथेरेपिस्ट के पास, तो मैंने स्पेशली मना कर दिया कि आज मैं नहीं जा पाऊँगा, आज मैं मेडिसिन खा लूँगा। बट देखा, मेडिसिन से मेरे को काफ़ी फ़र्क पड़ गया क्योंकि दोपहर में आज ऑफिस गया था क्योंकि मेरे पास पोस्ट से चेक पड़े हुए थे किसी के, वो लगाने थे आज की डेट में, तो वो लगा दिया। पैसों का मामला है, पैसों का मामला मेरी लाइफ में चलता रहता है क्योंकि आपका अंकुश फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। किसी का चेक आ गया, किसी का कैश आ गया, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ये कभी ब्रांच में, कभी ये, लफड़े चले रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने बहुत अच्छा लाइव किया, वहाँ पे हेटर्स आए, जो सारा जो लाइव था हमारी ऑडियंस के साथ, हमारी वाईटी फैमिली के साथ था, कुछ हेटर्स आ रहे थे तो हेटर्स के लिए एक अच्छा करारा सा जवाब था। किसी जो पर्सनल मेरी लाइफ से है उनको किसी तरह का कोई इसमें ना, मेरी लाइफ में या मेरी लाइफ में या लाइफ में किसी तरह का कोई लेना देना नहीं। और जैसी क्वेश्चनिंग होती थी उस हिसाब से ज़रूर मैं आंसर देता था, और कोई जल्द दिमाग पे ना ले क्योंकि हम आपके लगते कौन हैं, और ना ही दिल में बैर है ना विरोध है, क्योंकि जब बंदा इंसान ज़िंदगी में मूव ऑन हो जाए, दिल और दिमाग से निकल जाए, इस तरह के इमोशन ही नहीं होते, तो क्यों टाइम बर्बाद करना। आपका अंकुश पत्थर है और पत्थर बन के रहेगा, और अपनी वाइटी फैमिली का प्यार अंकुश, स्ट्रॉन्ग अंकुश। फिलहाल बहुत हो गया, अभी खाना वगैरह खाते हैं। और मम्मी ये है किचन में खाना बना रहे हैं, और मम्मी थोड़ा सा आप लाइव में आए, लोगों ने बहुत पसंद किया, और लोग बोल रहे हैं, लोग बोल रहा हूँ मैं गलत बोल रहा हूँ,
हमारी वाई टी फैमिली गारंटी जी को बिठाना, हम दोबारा करेंगे अब तो फिर हम आएंगे, कंचन को भी लाएंगे और अलग अलग चैनल से आएंगे। और देखा मैंने लाइव, मैंने पहली बार किया लेकिन अच्छा किया और व्यूज़ भी अच्छे मिले, लाइक्स भी अच्छे मिले। जितना आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये 10% दिख रहा है लेकिन मेरे पास तो ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है। सपोज करो यहाँ मेरा 1 घंटे में 1,000 व्यूज़ दिख रहा है ना, तो मेरे पास ये 10,000 है शो हो रहा, क्योंकि अच्छा है। चलो अच्छा चलेगा। फिलहाल गाइस इस कार्यक्रम को हम थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं। दिल और दिमाग से हम बोलते हैं कि अगर किसी को बुरा लगा, कोई मेरा भाई बंधु रह गया हो, पहले 2 मिनट चेक करूं अच्छा आ रहा है कि रह गया हो नाम बोलने से, तो माफ़ करना, अगली लाइव करेंगे। कमेंट्स धड़ाधड़ आते हैं, हम भी इतने एक्सपीरियंस नहीं। और मेरे को एक चीज़ बताना, ये लाइव मैंने पहले नहीं किया, अब मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। मेरे को लाइव स्ट्रीम करना है, मेरे को अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना है ताकि मैं उनकी उनके साथ हाल चाल पूछ सकूं, क्योंकि बहुत ऐसे सब्सक्राइबर बाइटी फैमिली जो हमें प्यार करती है, हमें मिलने के लिए यहाँ पे आती है, और बहुत सी ऐसी बाइटी फैमिली जो दूर देशों में बैठी हुई है वो हमसे बात करना चाहती है, हम उनसे बात कर सकें, जिसे स्ट्रीम यार्ड बोलते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग बोलते हैं। वो कैसे करनी है मेरे को इतना पता नहीं, बट धीरे धीरे सीख जाऊंगा, सेटअप बनाऊंगा, फिर आप लोगों के साथ वन बाई वन बात भी करूंगा। और मॉडरेटर कैसे बनाते हैं मेरे को अभी इतना पता नहीं, अगर गाइड हो जाऊंगा मैं अच्छे से यूट्यूब से, फिर मैं कर लूँगा, क्योंकि अकेला बंदा है। यूट्यूब पे खुद एडिटिंग सीखी हर एक प्लेटफॉर्म पे, जब मैंने 2018 से चैनल स्टार्ट किया, चैनल बनाना, वीडियो बनाना अकेला बनाता होता, साइक्लो में कभी ट्राईपोर्ड को पीछे रखता था, कभी आगे रखता होता था, और एडिटिंग करना मेरे को नहीं आता था। काइन मास्टर में सीखा मैंने, यूट्यूब से हेल्प ली, फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें, और आज आप तक खड़ा हुआ है ये। और लाइव करने में थोड़ा सा पता क्या, हम वीडियो पे फोकस करते होते, बट मेरे को जो वाइटिंग मैंने उन्होंने कहा लाइव क्यों नहीं कर रहा, लाइव पे बहुत से लोग इंटरेस्टेड होते हैं लाइव पे, तो मैंने देखा कि हाँ भाई सही है। और मैंने फर्स्ट लाइव किया और अच्छे से कर लिया, अपने होश आवास में बहुत दिखा, बहुत पेशेंस के साथ और प्लेन माइंड से, किसी शब्दों को अपने ऊपर नहीं लिया। हेटर्स आए यहाँ पे लेकिन हमने हेटर को धड़ल्ले से जवाब दिया, क्योंकि हमें उनकी परवाह नहीं। अब सोचते हैं कि इनको इनके तरीके से भी हम लाइव में जवाब दे सकते हैं। साथ ही बिशर्मों को कहते हैं कि बिशर्मी के साथ ही जवाब देना चाहिए, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी कर लो, बाकी आपका अंकुश बिशर्म तो है ही है, बिशर्मों के साथ, बाकी वाइटी फैमिली के साथ आपका अंकुश कि तुसी कहना कि अंकुश सिर भी चखदा होगा, मतलब कि ओनो कह लो तुसी सर्वगुण संपन्न, वो वाला एक दो गुण छट गए। गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे बढ़िया। और अभी जस्ट थोड़ा सा हम ठीक हो चुके हैं, आज बाहर नहीं गए क्योंकि आज मेरी एक मीटिंग थी, अभी एक मेल आ गया, कैंसिल हो गई मेरी मीटिंग, अब 26th को अपॉइंट किया दोबारा से, और बाजू मेरी थोड़ी सही होगी, 3 डोज ले चुका हूँ मैं, सही है। बट मैं यही चाहता हूँ कि दोबारा ना, इतनी गंदी वाली पेन थी ना पूछो मत, बहुत से लोगों को मजाक लग रहा होगा, ऐसा नहीं था सच में। और फ्रोजन शोल्डर आई थिंक कह रहे कि जिनको डायबिटीज़ होती है उनको होता है, तो डायबिटीज़ वाला अभी तक जो सीन नहीं है मेरा, बाकी सब बढ़िया है। और फिलहाल हम थोड़ी सी बात और करना चाहते हैं इस ब्लॉग को, फिर जल्दी एंड कर देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ना हमारे नाराज हो गए हैं, जो कि हमारे प्यारे हैं, दुलारे हैं, और हमें बोल रहे कि हमारा आपने नेम नहीं लिया। देखिए लाइव में बहुत धड़ाधड़ भाग रहा था, मुश्किल होता है, बट क्या करें कि आगे और करेंगे। और हम स्पेशल जो हमारे मेंबर्स हैं उनके नेम लेना चाहते हैं, जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है, तो अच्छा लगता है उनको भी यहाँ पे सुनना। हमारे पास 29th जो मेंबरशिप्स हैं वो हो चुके हैं, तो उनमें से क्या कहते हैं कहाँ Level 1 ज्वाइन किया हुआ है, कुछ मेरे अनलिस्टेड वीडियो हैं वही लोग देख पाएंगे, आने वाले टाइम में लाइव्स होंगे इनके लिए स्पेशल, मेंबर्स के लिए अलग हो जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर ये नाम लेने वाला चक्कर ही ख़त्म हो जाएगा, लिमिटेड से बंदे होंगे। तो ये कौन कौन से है, राजीव पंत, और कल भी आ रहे थे मेंबरशिप वाले, कईयों के ना नाम पूरे दिख नहीं रहे थे इसलिए हम ले नहीं पा रहे, एक आर नाम से आ रही था लेकिन बहुत से नाम से ऐसे एकदम से याद भी नहीं आ रहा था। राजीव पंत जी है हमारे साथ, मीनाक्षी पांडे जी हैं, 3 दिन पहले ज्वाइन किया, और आर मतलब रूपा जी, इन्होंने 4 दिन पहले किया हुआ है। आर का जो सिंबल है ना मैं पहचान गया जहाँ से, क्योंकि ये रूपा जी है। विस्ट ये है अपना, 8 डेज पहले किया। अक्षय विलियम्स इन्होंने भी किया हुआ है। रजनी शर्मा ये भी 12 दिन पहले। स्वाति गौर थैंक यू जी, तरनदीप कौर थैंक यू जी, दिव्या जादव इन्होंने भी किया है, दीप्ति ये 16 दिन पहले। शोमी यस, शोमी नाम से मेरे को कमेंट्स पे आते होते थे और भी सभी के आते होते थे। उसके बाद है डेड पूल IOS गेमर 16 दिन पहले। नीनू चोपड़ा जी, यस इनके भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं।
और कल लाइव में एकदम से पढ़ नहीं पाया अगर कमेंट भी है, लेकिन जब हम कमेंट्स पढ़ते हैं तब आप सभी के नेम लेते हैं हम जितना ले सकें। एक श्रीवर बल्ला जी भी है, ऋचा वसन जी भी है, किरण खोत्रा जी है और बहुत से हैं ना, और मनप्रीत कौर, भारती छोना, चिल ऑन हिल, यस मैंने कल आपका नेम लिया था और आपका मैंने देखा कि आपने सोचा कि शायद मैंने आपका नेम नहीं लिया, चिल ऑन हिल मैंने लिया था उसका। मंशा और संगीता सूद, जैसे संगीता जेतली भी है, एक संगीता सूद है, एक संगीता जसपाल कुछ ऐसे भी है, और एक रितु जी है, एक ज्योति जी है, रितु जी है, एक रितु नंद जी के नाम से आता है, एक शोमी के नाम से आता है, मतलब जो हमें रेगुलर कमेंट करते हैं, सौम्य चक्रवर्ती और अंजू किचन, कुसुम आजाद, लाइफ ऑफ एंजल नीता, यस एक अरुण पुरी जी है वो भी है, यस लाइफ ऑफ एंजल नीता ये भी हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं, दीपिका यादव, BP3 ये BP3 शॉर्ट नेम से कोई आ रहा है, उसके बाद पूनम लखेरा और लक्ष्मी शारदा देवी, उसके बाद है रिचा अजय बंसल, परमिंदर कौर, वसुंधरा, यस वसुंधरा जी भी हमारे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर, इनका नेम नहीं मैं ले पाया था, HK2637 ये कौन है एक्चुअली इनके बारे, हाँ यस इस नाम से भी है, तो काफ़ी अच्छा लगा, धन्यवाद आप लोगों ने मेंबरशिप ज्वाइन की हुई है। और एक कमेंट था आया, मेरे को लगा कि थोड़े से मेरे से श्री बालाजी नाराज हो गए, हम कमेंट पढ़ते हैं उनका थोड़ा सा, और इसके टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी बात भी करनी है, श्री बारी बालाजी की हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमें कमेंट भी आते हैं, और पहले हम ढूंढ लें, अभी बहुत आगे चला गया, नीनू चोपड़ा जी का है, उसके बाद है शर्मिल पाई, सुमन भारती, इंदिरा सूरी, यस ये भी इंदिरा सूरी जी के बहुत आते हैं, उसके बाद है हमारे पास सुनंदा चौहान, अनमोल प्रीत, सुरेंद्र कौर, ये तो कल नेम लिया था, ब्यूटीफुल लाइफ, इनके भी बहुत अच्छे हैं, ऋचा गंभीर, यस ये भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, ब्यूटीफुल लाइफ जी के भी बहुत होते हैं, ऋचा गंभीर जी, और है समीता आर्ट एंड क्राफ्ट मोर, और उसके बाद है हमारे पास किसका है, हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं हमें, अपना खुशी दी फैमिली ब्लॉगर, यस ये भी कह रहे कि फ़ोन पे फ़ोन, हम वीडियो बना रहे हैं फ़ोन पे फ़ोन, कमलजीत गिल, खुशी दी फैमिली ब्लॉगर, ये आया श्री बारी वाला जी, तो अभी बात करते हैं हम आपसे श्री बारी वाला जी, हम आ रहे हैं पूरे, यस आ रहे हैं, इनका कमेंट है जिन्होंने तुम्हें रियल मैं एक गार्डियन बनकर समझाया, डांट भी लगाई, अच्छी सलाह भी दी, और इनडायरेक्टली या डायरेक्ट भी तुम्हें स्पाइनलेस से स्पाइनफुल किया, उनका नाम तुमने शुरू से आज तक नहीं लिया, अंकुश पेरी बैड, सिल्वर बालाजी आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट होते हैं और हमें पता है, ऐसी बात नहीं कि हमने नेम नहीं लिया या जिक्र नहीं किया, किया है, और हमने मिनी जी को थैंक्स भी बोला था एक टाइम पे, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आप हमारे कमेंट्स करते हो, हमें हमारे वीडियोस देखते हैं, वो सपोर्टर देखते हैं, आज मुझे पहले भी बोला जाता था कि अंकुश तुमने कभी बोला नहीं, आज हमने बोला, खुलकर बोला, रिस्पेक्ट रहेगी उनके लिए भी, कोई ऐसी बात नहीं, कोई अच्छा कर रहा है जो बुरा कर रहा है, लेकिन रिस्पेक्ट रहेगी। और एक थे किरण हबीब जी, इनको भी मैंने कल नेम लिया था, बस ये सब था, और तो मैंने सभी को ऑलमोस्ट लिए थे सभी के नेम, उसके बाद ऋचा बसन जी, इनका भी लिया था मैंने, और कोई रहता है तो एकदम से याद नहीं आ रहा, क्योंकि ना कमेंट्स तो पढ़ते हैं लेकिन जब लाइव चला रहा होता है ना तो इतना पता नहीं चलता, बस यही था और तो कुछ नहीं था ना, अगर कोई रह गया तो माफ़ करना, अगली लाइव होगी तो हम करेंगे। और जिनके बारे में आपने बोला वो मैंने किसी और चैनलों के ऊपर भी जाते हुए देखा, तो एक विश्वास बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बाकी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, आप हमें समझाते हो, जिनकी आप बात कर रहे हो मिनी जी की, उन्होंने भी काफ़ी हद तक हमारी आंखें खोली, ठीक है अब क्या माजरा था मुझे नहीं पता था, कुछ नहीं बोलना चाहता क्योंकि मेरे को अभी तक समझ नहीं आया कि मेरे फेवर में है मेरे अगेंस्ट है, क्योंकि जोल दिखता रहा मेरे को, क्या ही बोले, बाकी इनके लिए भी रिस्पेक्ट है, ये हमारे ना कट्टर सपोर्टर हैं और ना हमारे हेटर्स हैं, बट फिर भी रिस्पेक्ट है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि जो हमारे सपोर्टरों के साथ भी अगेंस्ट ना हो वही हमारे अच्छे सपोर्टर हैं, हमारे सपोर्टर हमारे साथ है, और अगर वो मेरा साथ दे रहे हैं तो उनको रोकने की कोशिश की गई, और हमारे जो कट्टर हेटर्स हैं उनके साथ मिलने की कोशिश की,
बट फिर भी न्यूट्रल हैं तो हम रिस्पेक्ट करते हैं इनकी भी। बाय बाय। और रुके रुके, गुलनाथ जी को हम कैसे भूलें? गुलनाथ जी कैसे हैं और आपकी हेल्थ कैसे है बताना। और जस्ट टूटे जी, और उसके बाद एक तो और भी आ रहे हैं माइंड में, जानने नहीं आ रहे। और स्पेशली मेरे को याद है गुरुनाथ जी के बारे में बोले, मेरे को पता है, मैंने लाइव में सुना था आप थोड़े से बीमार रहते हो, तो अल्लाह और भगवान जी आपको जल्दी सही करे, और बस प्रे ही करते हैं। और कैसे है आपकी हेल्थ बताना हमें कमेंट्स में, और बाकी सब बढ़िया है।